मेरा नाम अंजलि है, मैं अभी 17 साल की हूँ। मैं अपनी मम्मी और दो भाइयों के साथ देसर में रहती हूँ और मैं वहाँ से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, 7वीं स्टैंडर्ड वहीं से पास किया। मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली, वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी। उसने मुझे बहला फुसलाकर अपना दोस्त बनाया। उसकी वजह से मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरने लगी। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने मेरी एक दोस्त की मदद ली। उस दोस्त की मदद से मैंने अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई और पुलिस लोग की मदद से मैंने उस लड़की को पकड़वाया। उसके बाद मुझे पुलिस लोगों ने डोंगरी में रखा। मैं वहाँ पे 1.5 महीना थी और मेरी मम्मी मुझे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज़ थी। फिर बाद में मुझे इधर शेल्टर होम में लेके आया गया देवनार में, और वहाँ से मैंने पूछा लड़कियों को कि तुम लोग कहाँ पे जाते हो, तो वो लोगों ने मुझे सास केंद्र के बारे में बताया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ट्रेनिंग जाते हैं। जब मैं सास केंद्र में आई तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज थे, तो मुझे सास केंद्र में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। सास केंद्र में आने के बाद मेरा काउंसलिंग हुआ। उस काउंसलिंग में मैंने जो अपनी उम्मीद भरोसा खोई थी वो मुझे वापस मिल गया, और उस काउंसलिंग में मेरे मन में जो एक अजीब सा डर था वो भी चला गया। फिर मेरा करियर काउंसलिंग हुआ। उस करियर काउंसलिंग में मुझे पता चला कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या कर सकती हूँ। फिर मुझे टेलरिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने टेलरिंग करना शुरू किया। टेलरिंग करते करते मुझे पता चला SSC के बारे में, जहाँ पे लड़कियाँ 10th दे रही थी, तो वो लोगों को देखकर मुझे भी पढ़ाई करने का मन हुआ। फिर मैं भी खुद 10th में चली गई। अभी मैं खुद 10वीं में हूँ। सास केंद्र में लाइफ स्किल होती है जिसमें मैंने नई नई चीज़ें सीखी है, जैसे गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, टीम में कैसे काम करना चाहिए और खुद का कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाना चाहिए। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं कमज़ोर भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने सपने को पूरा करूँगी। मैं एरोस्टर बनना चाहती हूँ और अपनी मम्मी को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ।